शनिवार को राजकीय महाविद्यालय इंदौरा में आयोजित की जा रही महिला व पुरुष वर्ग की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय इंटर कॉलेज भारोत्तोलन प्रतियोगिता सम्पन्न हो गई। कार्यक्रम में स्थानीय विधायिका रीता धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने युवाओं से नशे के विरुद्ध अभियान चलाने का आह्वान किया। राजकीय महाविद्यालय इंदौरा में 3 दिन से चली आ रही इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग में प्रदेश के 15 महाविद्यालयों से 58 महिला प्रतिभागियों सहित कुल 152 भारोत्तोलकों ने अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में 20 विभिन्न भार वर्ग श्रेणियों के मुकाबले करवाए गए, जिसमें महिला वर्ग में राजकीय महाविद्यालय ढलियारा ने 208 अंक के साथ ओवरऑल विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी 184 अंकों के साथ दूसरे और राजकीय महाविद्यालय देहरी 117 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं पुरुष वर्ग भारोत्तोलन में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नालागढ़ ने 231 अंक प्राप्त कर ओवरऑल विजेता की ट्रॉफी अपने नाम की और राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी 182 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इस मौके पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और विधायक रीता धीमान ने कॉलेज के युवा वर्ग को नशे के विरुद्ध अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है, जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।